रिचर्ड बाक एक अमेरिकी लेखक है। उन्हें जोनाथन लिविंगस्टन सीगल के लेखक के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। विश्वास न करें कि आपकी आंखें आपको क्या बता रही है। वे जो दिखाते हैं वह सीमा है। अपनी समझ से देखें, पता करें कि आप पहले से क्या जानते हैं और आप उड़ने का रास्ता देखेंगे। गलत मोड़ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही मोड़, अधिक महत्वपूर्ण कभी कभी। इसे सच करने की शक्ति दिए बिना आपको कभी कोई इच्छा नहीं दी जाती है। मैं उनके साथ व्यापार नहीं करना चाहता जो लाभ नहीं कमाते, क्योंकि वे सर्वोत्तम सेवा नहीं दे सकते। कठिन रास्तों को चुनने वालों के लिए भव्य पुरस्कार है, लेकिन वे पुरस्कार वर्षों से छिपे हुए हैं। अपने आप से अपनी सफलता का राज पूछें, अपने उत्तर को सुने और उसका अभ्यास करें। सपना हर किसी को दिया जाता है, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। मजबूत विश्वास मजबूत पुरुषों को जीतते हैं और फिर उन्हें मजबूत बनाते हैं। मैंने वह व्यक्ति बनने के लिए अपना जीवन दे दिया जो मैं अभी हूं, क्या यह इसके लायक था? आपको कभी भी कोई सपना नहीं दिया जाता है जब तक उसे सच करने की शक्ति भी नहीं दी जाती है। हालांकि इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं कर सकते जिसकी समस्या यह है कि वह समस्या का समाधान नहीं चाहता। हम अपने लिए बनाए गए जीवन पर कैसे नाराज हो सकते हैं? किसे दोष देना है, किसे श्रेय देना है? लेकिन हमें इसे कौन बदल सकता है जब भी हम चाहे? लेकिन हम, अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या है। याद रखें कि आप कहां से आए हैं, आप कहां जा रहे हैं और आपने यह गड़बड़ी क्यों पैदा की है जिसमें आप सबसे पहले फंस गए हैं। आप जो डरते हैं उसके बजाय आप जो जानते हैं उसे सुने। हम चाहे कितने भी योग्य या योग्य क्यों न हो, हम कभी भी बेहतर जीवन तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम स्वयं इसकी कल्पना नहीं कर सकते और स्वयं को इसे प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे सकते। यदि हम इस जीवन काल को अपने आरंभ से उच्चतर अंत करना चाहते हैं, तो हम एक कठिन मार्ग की अपेक्षा कर सकते हैं। सीखना यह पता लगाना है कि आप पहले से क्या जानते हैं। एक छोटा सा बदलाव आज नाटकीय रूप से अलग कल लाता है। विचार के जितने तेजी से उड़ने के लिए आपको यह जानकर शुरू करना चाहिए कि आप पहले ही आ चुके हैं। हमारी खुशी के रास्ते में हमें वह शिक्षा मिलेगी जिसके लिए हमने इस जीवन को चुना है। मैं दुनिया को प्रभावित करने के लिए मौजूद नहीं हूँ। मैं अपना जीवन इस तरह से जीने के लिए मौजूद हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। आज़ादी और खुशी से जीने के लिए आपको बोरियत का त्याग करना होगा। यह हमेशा एक आसान बलिदान नहीं होता है। हम अपने आप को अज्ञानता से बाहर निकाल सकते हैं। हम अपने आप को उत्कृष्टता और बुद्धि और कौशल के प्राणी के रूप में पा सकते हैं। मैंने जो अर्थ चुना वह जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। डर पर का उपाय आश्चर्य देखें। चरित्र हमारे उच्चतम अधिकार का पालन करने से आता है, बिना यह सुनिश्चित किए कि वे काम करेंगे, विचारों पर भरोसा करने से। कोई भी शक्तिशाली विचार तब तक पूरी तरह से आकर्षक और बिल्कुल बेकार है जब तक हम उसका उपयोग करना नहीं चुनते। समस्याओं से दूर रहें और आप कभी भी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जल्दी या बाद में जीतने वाले वे होते हैं जो सोचते हैं कि वे जीत सकते हैं। जीवन आपके तर्क को नहीं सुनता, यह अपने रास्ते पर चलता है। अबाधित आपको जीवन को सुनना होगा। एक आसान जीवन हमें कुछ नहीं सिखाता है। अंत में यह सीखना है जो मायने रखता है, हमने क्या सीखा है और हम कैसे बढ़े हैं। यदि कोई उड़ना चाहता है तो उसे पहले गिरना सीखना चाहिए।
अगर हम इस जीवन को शुरू करने से बेहतर अंत करना चाहते हैं तो हम एक कठिन सड़क की उम्मीद कर सकते हैं। जीवन आपको कुछ नहीं बताता, यह आपको सब कुछ दिखाता है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।